भारतवर्ष की जनगणना 2019 की कार्य पद्धति और प्रबंधों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सभागार में इन दिनों जिला स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को जनगणना के कार्य निष्पादन से जुड़ी उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान मकानों की सूची बनाना, संगणक ब्लॉक तैयार करना, लेआउट मैप समेत जनगणना कार्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला के बारे जानकारी देते हुए जनगणना कार्य निर्देशालय से राज्य स्तरीय प्रशिक्षक शशि प्रकाश ने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में 16 मई से 30 जून 2020 तक मकानों की गणना की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 9 से 28 फरवरी 2021 तक जनगणना होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला के लगभग 1505 संगणक और पर्यवेक्षकों द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा, जिसके लिए 31 फील्ड ट्रेनर्स को तैयार किया गया है, जो इन 1505 संगणक और पर्यवेक्षकों को जनगणना की कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक करेंगे। 2 दिन से हम यहाँ पे जिला चंबा में जनगणना का निदेशालय हिमाचल प्रदेश से हम लोग आए। यहाँ पे हमने जिला स्तर के जितने अधिकारी थे, सारे DC जो जिला स्तर अधिकारी हैं, DC, ADM, SDM जो भी थे, तहसील के तहसीलदारों को, जो हमारे लिए चार्ज अफसर होते हैं, उनको सभी को हमने जो जनगणना 2021 की तैयारियों के लिए अवगत कराया, उनकी 2 दिन का प्रशिक्षण संपन्न कराया और उन्हें जिला चंबा में होने वाली तैयारियों के बारे में बताया कि उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं इसके लिए। इससे उन्हें अवगत कराया कि क्योंकि ये जनगणना देश हर, मतलब भारतीय जनगणना हर देश में हर 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है। पूर्व जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी, उसी के क्रम में 2021 में आयोजित की जाएगी। इस गणना में बहुत चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंट्रोड्यूस हुई हैं। उन सभी से हमने जिला के अधिकारियों को जो इसमें कार्य करेंगे उनको अवगत कराया। जिला चंबा में आपके लगभग 31 फील्ड ट्रेनर इसमें कार्य करेंगे, 1505 के आसपास इनोवेटर सुपरवाइजर कार्य करेंगे, जो घर घर जाके डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा जो जनगणना में कलेक्ट किया जाता है, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार डेटा का यूज आपके क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, पब्लिक वेलफेयर जो पॉलिसी चलती है उसको बनाने के लिए इसका योगदान रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहता है जो हर 10 वर्ष में संपन्न कराया जाता है। ये जनगणना जो है 2 फेज में कराई जाती है। इसका प्रथम फेज हाउसिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा, जिसमें सरकार ने भी तय किया कि एक राष्ट्रीय परिवार रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो भी अपडेट किया जाएगा, जो कि 16 मई से शुरू होकर 30 जून तक कंप्लीट किया जाएगा आपके हिमाचल प्रदेश में। ये 45 डेज की एक्सरसाइज होगी, जिसमें सारे प्रांगणक हमारे घर घर जाके ये इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करेंगे। उसके उपरांत जो सेकेंड फेज होगा, उसमें जिसमें जनगणना होगी, लोगों की गणना की जाएगी। ये पूरे देश में 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आयोजित की जाती है, प्लस स्नोबाउंड एरिया, क्योंकि आपका हिमाचल कई जगह स्नोबाउंड एरिया भी आते हैं, यहाँ पे स्नोबाउंड एरिया में कार्य 11 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक संपन्न किया जाएगा। पॉपुलेशन इनोमेशन हो जाने के उपरांत 5 दिन के लिए हम रिविजनल राउंड करते हैं, उसके उपरांत जो फाइनल डेटा होता है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है, फिर उसको वो डेटा को राष्ट्रीय लेवल पर जारी करते हैं। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।